नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत कई जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। अनंती आतंकी संगठन जिस तरीके से लगातार एक्टिव होते जा रहे हैं, संगठन आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में एनआईए ने छापेमारी के दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। जानकारी मिली है कि ये लोग अफगानिस्तान जाने की फिराक में थे। दारुल उलूम इंस्टीट्यूट पर भी छापेमारी की गई। जांच एजेंसी ने लैपटॉप समेत कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को भी हिरासत में ले लिया है। तो आईएसआईएस मॉड्यूल और टेरर फंडिंग के मामले में रॉ और आईबी के साथ एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर रेड की है। जांच एजेंसियों ने कई लोगों से पूछताछ भी की। टेरर मैगजीन को लेकर ये छापेमारी की गई। इस मैगजीन के अब तक 17 संस्करण छप चुके हैं। मंथली मैगजीन में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के बारे में कवर किया जाता है और माना जा रहा है कि मैगजीन अफगानिस्तान से प्रकाशित होती थी, लेकिन जांच में पता चला है कि इसका प्रकाशन आतंकवादी संगठन से संबंधित है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली की टीम करती है। अब जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, अवंतीपुरा शामिल है, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में मदर डेयरी दूध के दाम आज से दिल्ली एनसीआर में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि दूध महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा है और कमाई वही की वही है। कोरोना के बाद काम भी पूरी तरीके से ठप हो चुका है। महंगाई तो जी हो ही रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ऊपर से ऐसा है कि कोरोना की मारामारी चल रही है कुछ ज़्यादा ही, क्या किया जाए। आम आदमी, गरीब आदमी गरीब है बिल्कुल, और क्या करे, कुछ हो नहीं रहा, काम धंधा किसी के पास है नहीं, क्या करें। महंगाई पे महंगाई बढ़े जा रही है। 2 रुपए दूध भी महंगा हो गया, क्योंकि अभी जानकारी दी है इन्होंने, जो कि जो आम जनता पर ना ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा। गैस महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, और भी सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया और दूध भी अब महंगा हो गया, तो आम आदमी क्या करेगा। महंगा, पेट्रोल भी महंगा, कमाई वही गई। कोविड के बाद से काम में भी कमी है, कमाई है नहीं, लेकिन सरकार अपने हिसाब से सब चीज़ जब इच्छा हो बढ़ा देती है। कोई कारण नहीं बतला रहे कि किस वजह से दूध के रेट बढ़े हैं, क्योंकि इनके हाथ में अपनी दादागिरी है, कुछ भी कभी भी कर लो। किराए मतलब सैलरी वहीं की वहीं है, बिजनेस वहीं की वहीं गिर गया, कोई काम है नहीं, घर में बैठे हैं, लेकिन उसकी तरफ सरकार का ख्याल नहीं है, सिर्फ अपनी जगह रेट बढ़ा रहे। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अभी भी बरकरार है। रोजाना 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,506 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 895 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले शुक्रवार को 42,766 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 41,526 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कल 915 एक्टिव केस कम हुए हैं। ये लगातार 33वां दिन है जब भारत में 1,00,000 से कम कोरोना के नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस अब 5,00,000 से नीचे आ गए हैं। वर्तमान में 4,54,118 एक्टिव मामले हैं और अब तक कुल 4,08,040 मौतें हुई हैं। अब तक कुल 2,99,75,000 लोग ठीक हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,08,37,222 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति कुछ दिन पहले धीमी हुई, इसके बावजूद भी लोग लापरवाही लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। समीक्षा बैठक भी इसको लेकर की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बात पर जोर दिया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। इस बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के प्रबंधन और लोगों के टीकाकरण की ताजा स्थिति पर चर्चा की गई। केंद्र ने राज्यों को कोरोना से जुड़ी 5-फोल्ड स्ट्रेटजीज की फॉलो करने को कहा है। राज्यों से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त
व्यवहार करने की बात कही है और लगातार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से थर्मल प्लांटों के बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर पंजाब की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आम आदमी पार्टी को छोड़कर राज्य की सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कड़ा हमला बोला है। पंजाब में लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का वादा करने वाले केजरीवाल ने प्रदूषण का हवाला देकर थर्मल प्लांट बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार नहीं किया। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता का विश्वास खो दिया है और उत्तराखंड में जमानत जब्त करने वाली सबसे बड़ी पार्टी उनकी ही बनेगी। साथ ही उन्होंने बिजली और पानी को लेकर राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, केजरीवाल उत्तराखंड को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं जिस प्रकार से दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, ऐसे उत्तराखंड का भी बेड़ा गर्क हो जाए। उन्होंने फ्री पानी की बात की थी, आज पानी पीने के लिए नहीं है और शराब डोर टू डोर सप्लाई है। आज जमुना मैली हुई पड़ी है, जमुना का क्या हालत है। उन्होंने कहा था मैं 5 साल में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज जमुना की जो हालत है आप खुद देख सकते हो, उसके अंदर पानी की डुबकी भी आप नहीं लगा सकते, लेकिन अपने लिए वो स्विमिंग पूल बना रहे हैं। ऐसी हालत के अंदर केजरीवाल जी जो बोलते, मैं मानता हूं कि उनकी बातों का विश्वास जनता ने खो दिया है। और जिस प्रकार से वो बिहेवियर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जमानत जब्त करने वाली सबसे बड़ी पार्टी यही बनेगी जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार के सब जवाब दिखा रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूं स्कूलों का मॉडल बताते हैं। आज बताइए एक स्कूल के अलावा कौन सा बनाए। एक कॉलोनाइजर होता है ना, एक मकान बनाया जाता है उसको दिखाकर कॉलोनी काट लेता है और भाग जाता है, इस प्रकार का वो बिहेवियर वहां पर कर रहे हैं। आप बताइए उन्होंने क्या काम किया है दिल्ली के अंदर, क्या काम किया है वहां पर, क्या काम करेंगे पंजाब के अंदर। उनके पास इतने सारे MLA थे, MP थे, क्या किया है उन्होंने। उन्होंने वही कर रहे हैं जो अमरिंदर सिंह कर रहा है, डोर टू डोर दारू बेचना, वही काम कर रहे हैं उनके विधायक सांसद सारे के सारे वही काम कर रहे हैं। वहां भी वही ये सब जवाब दिखा रहे हैं। आज दिल्ली कहां थी, कहां रह गई दिल्ली। तो इसलिए मैं मानता हूं कि केजरीवाल का बोलना बिल्कुल झूठ है और जिस प्रकार से दिल्ली का बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, उसी प्रकार से वो उत्तराखंड का भी बेड़ा गर्क। देखिएगा, उत्तराखंड के लिए हमने बहुत कुछ किया है। उत्तराखंड के अंदर 1 रुपये में नल और नल में स्वच्छ जल, माता और बहनों को बराबर का हक देने की बात की है, आयुष्मान कार्ड जो इसने यहाँ पे चालू नहीं करने दिया है दिल्ली के अंदर, जिसे 5 लाख का लोग इलाज करा सकते थे, हमने वहां पर पूरी जनता को गरीबी की रेखा ही नहीं, पूरी जनता को हमने आयुष्मान कार्ड की 5 लाख की सुविधा देने का काम किया है। आज जब कोरोना के से लोग पीड़ित थे या मर रहे थे, इनसे पूछो बिजली फ्री चाहिए या ऑक्सीजन फ्री चाहिए, इनसे पूछो वैक्सीन फ्री चाहिए या रेमडेसिविर महंगी चाहिए। मतलब इस प्रकार जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, तो उत्तराखंड जिस प्रकार से डेवलप और विकासशील हो रहा है, मुझे लगता है कि ये केजरीवाल जी का जो ढोंगलेबाजी है, मुझे लगता है कि धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड की जनता के लिए जो अच्छा होगा वो निर्णय करेंगे। किसी भी अन्य राज्यों की योजनाएं उनके अपने हिसाब से होती हैं और मुझे लगता है कावड़ सेवा पर जो निर्णय उनका मंत्रिमंडल लेगा वही मान्य होगा। देखिएगा, 4 महीने 5 महीने चुनाव के रह गए हैं, इसलिए सोच का मापदंड भी बदलता है। मायावती जी को आज जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, आज इसकी देश के अंदर पूरे में खनक है कि योगी जी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कभी कहीं नहीं हो सकता। आज उनको अपने चुनावी लाभ के कारण छोटी छोटी स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। क्या भूल गई वो दिल्ली के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, क्या भूल गई वो राजस्थान में डेली बलात्कार हो रहे हैं, क्या भूल गई वो जिस प्रकार से स्थिति हमारी झारखंड के अंदर हो रही है, जिस प्रकार दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक राजनीतिक स्वार्थ के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो जमीन ढूंढने में लगी हुई है अपने लिए पुनः, मुझे लगता है कि उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा बिल है। मुझे ये बिल आने के बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद आ रही है कि आज देश में सभी लोग डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र और संविधान की दुआइयां देते हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर जी की आत्मा खुश होंगी जब योगी जी ये बिल लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था सिविल कॉमन बिल के लिए, और इसके लिए उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था उस समय। जिस प्रकार आज ये बिहेवियर कर रहे हैं हमारे साथ में, कांग्रेसी लोग कर रहे हैं, अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं, ऐसी उस समय जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
इस बिल का टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हिंदू कोर्ट बिल लेके आए थे, हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता, मुसलमान कितनी भी शादी कर सकता है। उस समय भी ये हालत की थी, आज भी ये हालत कर रहे हैं। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये बिल पास होना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि बंगाल चुनाव से कोरोना को निमंत्रण मिला, जो महामारी के समय नहीं होना चाहिए था वही हुआ, भीड़ इकट्ठी की गई जिससे महामारी फैली। और उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कोरोना वैक्सीन ली है तो उसके लिए आपको ये उचित नहीं है। हर देश ने, मैं समझता हूँ कई देश है जिन्होंने अपना वैक्सीन विकसित किया है। हमारी वैक्सीन, एक वैक्सीन जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन जो एक टेक्निकली एकमात्र वो है, उसको लेकर के भी तो ये एक अच्छा संदेश नहीं देता। आपको जितने भी प्रमाण की जरूरत है वो लीजिए, लेकिन ये जो वैक्सीन के बेसिस पे आप ये कोशिश कर रहे हैं इसको अवॉइड करिए। दूसरा सर, जो पर्यटन इसे आई वहां जिस कदर भीड़ एकत्रित हो रही है, क्या ये वायरस को एक खुला निमंत्रण है? नहीं नहीं, वायरस को खुला निमंत्रण तो बंगाल के चुनाव से मिल रहा है। जब सत्ता प्रतिष्ठान ही खुला निमंत्रण वाली कार्यशैली में यकीन करे ना, तो फिर कुछ बचता नहीं है। जो लोग ओहदेदार हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उनको एक मानदंड पेश करना होता है। माफ कीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री ने वो मानदंड पेश। मुंबई बीजेपी नेता राज पुरोहित ने बीएमसी को लेकर कहा कि मानसून के समय पानी भरता है और आप समुद्र की जमीन लेकर सड़कें बना रहे हैं। बीएमसी ने सोचा है कि किस तरीके से आगे मुंबई को डूबने से बचाना है, या फिर सरकार ने सोचा है अगर इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं तो किस तरीके से सीएम मुंबई को बचाएंगे? और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अभिनंदन बीएमसी का। साथ साथ एक प्रश्न निर्माण होता है, मानसून के समय पानी भरता है और इस समय आप समुद्र की जमीन ले रहे हैं, वहां पर सड़कें बना रहे हैं, तो क्या बीएमसी ने कुछ सोचा है कि जिस समय पानी भरेगा और उस समय कोस्टल रोड बनेगा तो उसकी इमरजेंसी में क्या अरेंजमेंट होगा? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोस्टल रोड बना रहे अभिनंदन है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री ने इस मुंबई बचे और मुंबई डूबे नहीं इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश के नागरिकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। विदेशों के लिए एक न्याय और भारतीयों के लिए दो न्याय, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो न्याय विदेशियों को मिल रहा है, जो जस्टिस विदेशी लोगों को मिल रहा है, वही न्याय और न्याय हमारे भारतीयों को मिलना चाहिए। वैक्सीन के नाम पर हमारे लोगों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। अभिनंदन करना चाहता हूं योगी सरकार का, मेरे दिल की बात कही है, और ये दिल की बात नहीं, करोड़ों करोड़ों देश के नागरिकों के दिल की बात कही है। कहीं ना कहीं जनसंख्या रुकनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो भार आ रहा है सुविधाओं पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भार आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं विचार होने की जरूरत है। और योगी सरकार ने विचार किया है कि दो से ज्यादा जिनके बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधाएं ना मिले, तो बहुत सत्य है। आप बच्चे पैदा किए ही जाओ, भुगतेगा कौन? जगह नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में विचार होने की आवश्यकता है। और पूरा देश आज योगी सरकार अपने गिरेबान में देखो, दूसरों पे आरोप लगाने से पहले कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। आप भी अभी अभी कांग्रेस में गए, शायद कांग्रेस के इतिहास को जानते नहीं है कि कांग्रेस के हाथ कितने गंदे हैं, कितने काले हैं, कितने मेले हैं। बफोर्सकांड में क्या हुआ, 2G घोटाले में क्या हुआ, कोल घोटाले में क्या हुआ, पंडुबी घोटाले में क्या हुआ, और सभी घोटालों में क्या हुआ, वो क्या छुपा हुआ है? आप तो देवेंद्र फडणवीस के टेपिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जब से देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस टेपिंग कर रही है, और विदेशी जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर जांच रख रही है, नजर रख रही है। तो देवेंद्र जी पे आरोप मत लगाइए, पहले खुद के अपने कपड़े देखिए कि आपके कपड़ों पे कितने दाग है, फिर बात करिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि वैक्सीन का काम लगातार जारी है। उन्होंने किसानों को लेकर बयान देते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन कोई आंदोलन नहीं लगता है। जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से हमारे संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि ये संतुलन कैसे बनाना, भविष्य की पीढ़ी के लिए अपने दायित्व को महसूस करना कि सारा का सारा साधन हम भोग लें और भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ छोड़े ही ना, तो इसमें किसी प्रकार की राजनीति अगर कोई लोग देख रहा है तो ये बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने ये सुनिश्चित कल ही देखा है कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन को इंटरनेशनल अप्रूवल मिला है, तो वैक्सीन के नाम पे एक नया डिस्क्रिमिनेशन या अन्याय न होने लगे ये सुनिश्चित करना भारत का दायित्व है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल ग्लोबल पावर होने के नाते भारत ने लगातार ये सुनिश्चित किया गया है कि विश्व में समरसता और समानता का वातावरण बने और वैक्सीन के नाम पे ये इनइक्वालिटी या असमानता ना आए, ये सुनिश्चित करना हमारा प्रमुख काम है। मैं तो इसको आंदोलन नहीं मानता हूँ, स्पष्ट सी बात है। आंदोलन एक पवित्र शब्द होता है, आंदोलन में अनुशासन होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि इस विरोध के स्थल पे एक नृशंस हत्या हो गई, महिलाओं के साथ लगभग डेली बेसिस पे बदतमीजी होती है, और जब से ये विरोध शुरू हुआ है तरह तरह की शिकायतें हम लोगों के सामने आ रही है। कभी टोल नाका तोड़ दिया जाता है, कभी फोन का टावर तोड़ दिया जाता है, सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ दिया जाता है, तो ये तो नागरिकों का टैक्स पेयर का पैसा है। मुझे लगता है इस प्रकार का व्यवहार करना एक सक्रिय लोकतंत्र में उचित नहीं। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवादी संगठनों के साथ कथित तौर पर काम करने को लेकर अपने 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं, और इसी को लेकर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए क्या कहा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट का ये जो कार्य है कि 11 जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स थे, जो डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे थे, उनको उन्होंने बर्खास्त कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बहुत ही अच्छा कदम है, मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस कदम के बिना ये जो मिलिटेंसी है, ये इनके जो क्योंकि अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो लॉजिस्टिक्स में, उनके आर्म्स रनिंग में, उनको शेल्टर दिलाने में, उनको इन्फॉर्मेशन देने में, जब तक ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं हटाए जाएंगे, नहीं अरेस्ट किए जाएंगे, तब तक जो है मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म नहीं होगी कश्मीर घाटी के अंदर। इसीलिए ये बहुत अच्छा कदम है इसका गवर्नमेंट का, और मैं देखने का है कि आने वाले दिनों में और ऐसे लोग जो हैं जो ये मिलिटेंसी के अंदर इन्वॉल्व हैं, अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स, आप देखेंगे वो भी जो है जल्दी बर्खास्त होंगे और एक सफाया हो जाएगा ऐसे लोगों का गवर्नमेंट के। जो ये ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये अब बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है, और उसके अंदर उस कामयाबी के अंदर उसका हाथ जो है वो हमारे जो कश्मीरी अवाम है उसका है, क्योंकि कश्मीरी अवाम जो है वो अब इस मिलिटेंसी के खिलाफ खड़ा हो गया है, और ये जो है जब भी कहीं मिलिटेंट कहीं पनाह लेता है तो कश्मीरी अवाम जो है वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है जम्मू कश्मीर पुलिस को, और वहां कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और ऑपरेशन शुरू हो जाता है, और अगर वो मिलिटेंट सरेंडर नहीं करता तो उसको वहां ढेर कर दिया जाता है। और ये आप देखेंगे क्योंकि पीछे भी जो इनका एक बहुत बड़ा एक खूंखार मिलिटेंट होता था नायक, उसने तो वीडियो में भी जारी किए और पोस्टर भी लगाए कि भाई आप जो भी अगर कोई ऐसा आता है आपके घर के अंदर कोई छुपता है तो उसके बारे में आप किसी से बात ना करें, अपने जो पड़ोसी हैं उनसे बात ना करें, अपने रिश्तेदारों से ना बात ना करें, क्योंकि वो इतने डर गए हैं। और जब अब जो कश्मीरी अवाम इस मिलिटेंसी के खिलाफ खड़ा हो गया है, मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि ये मिलिटेंसी जो है जल्द खत्म हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद स्पेशल सेल की टीम दोबारा फरीदाबाद सेक्टर 65 के उसी NSG विहार में पहुंची और तलाशी ली। स्पेशल सेल की टीम तकरीबन आधे घंटे तक छानबीन करती रही। दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद के NSG विहार कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैं, जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरप्रीत और गुरजोत से 364 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की। पहचान उजागर ना करने की शर्त पर इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि गुरजोत और गुरप्रीत तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही इस बिल्डिंग में आए थे और उन्होंने यहां पर 402 नंबर फ्लैट किराए पर लिया था। उन्होंने बताया कि हालांकि वो 4-5 दिन ही यहां पर रहे, बाकी समय वो बाहर रहे, लेकिन अगर किसी से सामना हुआ तो वो मुस्कुराकर और आराम से बात करते थे, जिससे किसी को उन पर किसी भी तरीके का शक ना हो। पड़ोसी के मुताबिक उनके पास कार थी, शायद यही वजह थी कि वो उस कार से ड्रग्स
सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले गुरप्रीत और गुरजोत फरीदाबाद के NIT इलाके में रहते थे और एक डीलर के माध्यम से उन्होंने इस सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लिया। हालांकि उन्होंने डीलर का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि हिंदुत्व जीवन का एक तरीका है। उन्होंने दावा किया है कि ज्यादातर धर्मों के अनुयायी हिंदुओं के वंशज हैं। हेमंत शर्मा ने कहा कि हिंदू की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी और इसे रोका नहीं जा सकता, हिंदुत्व को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा अपनी जड़ों और मातृभूमि से दूर हो जाना। लव जिहाद के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इसे जितना कहा जाए उतना गलत है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, शब्द को लेकर आपत्ति है। सरकार किसी भी महिला को किसी के द्वारा धोखा दिए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू लड़की की तरफ से हिंदू लड़की से झूठ बोलना भी जिहाद है, हम इसके खिलाफ कानून लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया में जहां चुनाव मतगणना के बाद ब्लॉक परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। पंचायत सचिव समेत ब्लॉक पर तैनात तमाम कर्मचारियों ने SDM पर गाली गलौज और लाठी डंडों से मारपीट का आरोप लगाया और विकास भवन पर SDM के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। SDM का कहना है कि ड्यूटी पर लेट आने को लेकर विभागीय कार्रवाई किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने उनके साथ हाथापाई की। बहन की गाली थी, डंडा मारा, बोले तुम पे बुलडोजर चलवा देंगे। किसने किसने? SDM साहब। कौन से? चंद यादव जी। क्यों, किस वजह से? इस वजह से कि माँ बहन की गाली तो सुनो, किस लिए कह रहे थे, क्या सुनने के लिए कह रहे थे? शालीनता में आप मुझसे काम ले, मेरे खिलाफ कोई लिखा पढ़ी करनी, लिखा पढ़ी कर तुम मेरे से चिपट गए। 100 लोगों ने देखा, सबसे देखा आप लोगों ने। नायब तहसीलदार साहब, किस वजह से हुई है और क्या मामला था पूरा? देखिए, ये ब्लॉक प्रमुख का जो होता है कि चुनाव के संबंध में जो होता है कि सभी जो होता है, चाहे पुलिस विभाग की है, राजस्व विभाग की है, ब्लॉक स्तर के जो होता है कि सेक्रेटरी को ड्यूटी लगाया गया था और सभी लोगों को निर्देशित किया गया था कि सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पर जो होता है 9 बजे पहुँच जाए, जबकि ब्लॉक स्तर के जो सेक्रेटरी कर्मचारी थे वो लगभग 11 बजे आए और 11 बजे जो होता है कि आने के बाद मैं यहाँ के प्रभारी वीडियो को मैंने निर्देशित किया कि जो भी सेक्रेटरी ले रहा है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए। तो इसी क्रम में जब इनको सूचना मिली, जैसे ही जो होता है कि मतदान समाप्त हो गया, मतदान आप देख ही रहेंगे जो मतदान की प्रक्रिया पूरा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जब यहाँ से जो होता है कि पार्टी अकोर के लिए रवाना हो रही है, इसके बाद जो होता है कि मेरे साथ जो होता है कि ग्रुप में बना करके ये लोग हाथापाई करने का प्रयास किया और जो ये प्रथम दृष्टया ये लोग घुसी है और शासकीय कार्य में जो होता है बाधा जो होता है करने की वजह से मैं संबंधित जो होता है। लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना ने 28 साल के लंबे इंतजार के बाद कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया है। भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह खेले गए फाइनल मैच में उन्होंने ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिकन कप पर कब्जा किया है। अर्जेंटीना की ओर से एंजेल डी मारिया ने मैच का एकमात्र गोल खेल के 22वें मिनट में किया। डी मारिया ने रोड्रिगो डी पॉल से मिले शानदार क्रॉस पर गोल पर अर्जेंटीना की टीम के लंबे इंतजार को खत्म किया। फाइनल मैच में ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। ब्राजील की टीम ने अर्जेंटीना के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण किए। मैच के दौरान 60% समय गेंद ब्राजील के पाले में रही और उसके खिलाड़ियों ने 13 शॉट भी दागे लेकिन गोल से चूक गए। वहीं अर्जेंटीना की टीम को मैच के दूसरे हाफ में ज्यादा मौके नहीं मिले। हालांकि मेसी के पास गोल करने का एक बेहद आसान मौका आया लेकिन वो गोल करने से चूक गए। मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के आगे निकलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैच में तनातनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अर्जेंटीना के 5 और ब्राजील के 4 खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिखाया गया। मेसी के लिए खासतौर पर यह खिताब काफी मायने रखता है, जिन्होंने लंबे फुटबॉल में तो कई खिताब जीते हैं लेकिन अपने देश के लिए वो कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए थे। साथ ही फुटबॉलर मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की टीम पहली बार चैंपियन बनी है। इससे पहले मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना 2015 और 2016 में 2 बार फाइनल में पहुंची लेकिन उसे खिताब में महरूम होना पड़ा। खबरों फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।